हेलो फ्रेंड्स, पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 8-6 के साइज में 2 5-पिन सॉकेट, 3 स्विच, 1 इंडिकेटर, 1 होल्डर और 1 फ्यूज में कनेक्शन करना बताऊंगा। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना बोर्ड में कनेक्शन करना शुरू करता हूँ। देखिए, ये जो वायर है हमारा, वो होल्डर में पहले से मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। सबसे पहले हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में वायर को कनेक्ट करूंगा। देखिए, इस तरह वायर ले लेना है। स्विच के नीचे वाले वायर स्विच देखिए स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब दूसरे एंड को हम इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल में वायर को कनेक्ट करेंगे। देखिए, इंडिकेटर में वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब हम फिर एक ऐसा वायर लेंगे, इंडिकेटर से फ्यूज में कनेक्ट करेंगे। से कनेक्ट इंडिकेटर में कनेक्ट कर दिए हैं, अब हम फ्यूज के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा फ्यूज है, इसमें हम वायर को कनेक्ट करेंगे। अब हम 5-पिन सॉकेट का 1 टर्मिनल और स्विच के 1 टर्मिनल में वायर को कनेक्ट करेंगे, जिससे हमारा 5-पिन सॉकेट स्विच के साथ ऑन ऑफ होगा। देखिए, मैं 1 5-पिन सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दिया है और दूसरे एंड को स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए, इस तरह का एक और ऐसा वायर लेंगे, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में और 5-पिन सॉकेट के टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। देखिए, मैं 1 स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में वायर को कनेक्ट कर दिया। और दूसरे एंड को हम 5-पिन सॉकेट के टर्मिनल में कनेक्ट कर दिए। देखिए, मैं 1 वायर के 1 एंड को स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है ऊपर वाले टर्मिनल में और दूसरे एंड को हम 5-पिन सॉकेट के टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। इससे हमारा सॉकेट स्विच के साथ ऑन ऑफ होगा। वायर को हम स्विच के साथ कनेक्ट किया है और फिर स्विच से यहाँ पे इंडिकेटर में आया और इंडिकेटर से फ्यूज में आया। और ये हम स्विच के साथ कनेक्ट किए हैं सॉकेट को, यहाँ भी स्विच के साथ कनेक्ट किए हैं, जो हमारा स्विच के साथ ऑन ऑफ होगा सॉकेट। फ्रेंड्स, यदि हमारा चैनल पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब देखिए, इस तरह का वायर लेंगे और दोनों 5-पिन सॉकेट को एक साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कर दिया और दूसरे एंड को 5-पिन के दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। फिर हम एक और ऐसा वायर लेंगे, इंडिकेटर और 5-पिन सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए, हाँ, इंडिकेटर के साथ एक वायर को कनेक्ट कर दिया, वायर के 1 एंड को
और दूसरे एंड को हम 5 पिन सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे। ये वायर के एक एंड को हम इंडिकेटर के साथ कनेक्ट किया है और दूसरे एंड को हम 5 पिन सॉकेट के साथ कनेक्ट किया है। अब इसमें हम होल्डर वाली वायर कनेक्ट करते हैं। देखिए रेड कलर की वायर को हम 5 पिन सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। और येलो कलर की वायर को हम ये जो स्विच हमारा खाली है यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। देखिए कनेक्ट कर दिए। अब हम इसमें मेन फेज की वायर कनेक्ट करेंगे। देखिए मेन फेज की वायर हम स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। ये मेन फेज की वायर कनेक्ट की है। फ्रेंड्स मैं बहुत ही सटीक और अच्छी तरीके से बोर्ड में वायरिंग करना बताता हूँ जिससे आप आसानी से सीख पाएंगे। चलिए अब हम एक और मेन फेज की वायर लेंगे जो इंडिकेटर के साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए मैं वायर को कनेक्ट कर दिया। देखिए मेन फेज की वायर हम एक फ्यूज के साथ लिए और दूसरा इंडिकेटर के साथ कनेक्ट किए। देखिए यहाँ 5 पिन सॉकेट से दूसरे 5 पिन सॉकेट में और दूसरे 5 पिन सॉकेट से मैं इंडिकेटर में वायर को कनेक्ट किया। देखिए बोर्ड में कंप्लीट वायरिंग हो गई है। अब इसको सीधा करके बॉक्स में लगा लेते हैं। देखिए मैं सीधा कर लिया। ए 5 पिन सॉकेट हमारा ए स्विच पर ऑन ऑफ होगा और इस ए 5 पिन इस स्विच में ऑन ऑफ होगा। इस स्विच से हमारा बल्ब ऑन ऑफ होगा। देखिए मैं बॉक्स में फिटिंग कर लिया। अब इसको स्क्रू से टाइट कर लेंगे। देखिए मैं फ्यूज लगा लिया। अब इसको इसमें लगा दे के पावर को ऑन करते हैं। अब हम इस बोर्ड में पावर देते हैं। देखिए मैं बोर्ड में पावर दे दिया और हमारा इंडिकेटर जल रहा है। अब बल्ब होल्डर में बल्ब लगाकर चेक करते हैं। तो ये हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। फ्रेंड्स यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।